अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छे काम अच्छी बातें अली टीवी चैनल यूके जनाब तुहाडे नाल मुहातब है। यह जे जनाब तुहानू तकिए जे नज़र आ रहे होने पिछे तो जरा पईयां चटाइयां जी, असल में कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, असल में रेस्टोरेंट है। देसी माहौल इन्हें रखे है जनाब, बड़ा ही जबरदस्त। तो जनाब इन्हों का हुण तुहानू लोकेशन बाहरों दुकाने और इन्हों के खाने शाने तुहानू दिखा देने। चलो देसी माहौल इन्हें रखे, तकिए वगैरह इन्हें ला के रखे, बंदे आके बड़ा इंजॉय करते हैं इन्हों को, और बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है इन्हों का। आ जाओ तुहानू दिखाइए। ए जनाब इन्हों का ना लिखे है जिहड़ा इन्हों का हिसाब किताब है जनाब, ना शायद इन्हें लिखे है और नंबर भी इन्हों का लिखे है। ए जनाब प्राइजा वगैरह इन्हें लिखी हैं सारिया, और देख लो तुसी खान पीन जिहड़ा ना इन्हें इत्थे बड़ा जबरदस्त लभदा है। देसी माहौल जनाब, देखो कढ़ाई सारा सिस्टम इन्हों का। ए देख लो जनाब, बहुत ही सिस्टम इन्हों का नाइस है। देख लो त्रै पौंड का जनाब है इन्हें, पेप्सी वगैरह सारा कुछ इन्हें लाए है सारा कुछ। यह जड़िया तो रोटियां नज़र आ रही ना, ये असल में एक पौंड दियाँ दो रोटियां, ठीक है जी। देख लो यह जनाब 399 का जनाब इन्हें कबाब रोल लाए है, फ्रैश कबाब रोल। और जनाब देखो कितना सोहना और देसी माहौल है इन्हों का जनाब, अलहमदुल्ला बड़ा ही जबरदस्त। बाहर भी इन्हें बहने की जगह रखी है, फिलहाल थोड़ी देर तक इन्हों का बिजी हो सी कम, कस्टमर तो पहला अस वीडियो बना ली है क्योंकि वह कह रहे थे भाई कस्टमर आ जाने फिर जरा सोशल डिस्टेंस रखना पैदा इस कोरोना की वजह से। यह जनाब बिल्कुल है बाहर की लोकेशन इन्हों की है वै, अंदर जोड़ा इन्हों का हिसाब किताब जोड़ा है वै। देखो देसी माहौल जोड़ा इन्हें रखे है जोड़ा, दस्तरखान वगैरह सारा कुछ देसी माहौल ला के इतने बंदे आके शामी दो दो चार चार घंटे बहते हैं तो इंजॉय करते ना। हूँ तुम्हें खाना दसने इन्हों का, ए जनाब देख लो खाना इन्हों का फ्रैश बिल्कुल ताज़ा खाना। और यह दाल जी पई है चने वाली दाल, वो भिंडिया, ए जनाब पालक पई है। तो ये छोटा जहाँ का एक सैटअप है, इन्हों मेन्यू भी उपर लगे न, ते छोटे जे सैटअप नहीं है लेकिन ज़्यादातर इन्हों का टेकवे का काम। यह देख लो सलाद वगैरह इन्हों का, सैलड शैलड पे है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम है जनाब अलहमदुल्ला। ड्रिंक विंक सारा कुछ इन्हों का बड़ा जबरदस्त है, और बहुत ही खूबसूरत इन्हें बनाए है हिसाब किताब। और फ्रैश देखो देखो जी, गर्मा गर्म फ्रैश चीज़ा इतने लगदिया ने इन्हों को। लोकेशन बाहर की असं दस छोड़ी है, इतने आओ तुम। चिकन पे है देखो, और ये काफ़ी बिजी ने अलहमदुल्ला, टेकवे का भी काम है, डिलीवरी वगैरह भी इन्हें करनी होंदिया, ठीक है जी। ये माहौल तुम्हें देसी माहौल असं दिखा देता है, तो अभी आइए नाजरीन आपकी इनसे बात करवाते हैं। पता नहीं कि वो जमीन पे बैठ कर ही, जैसे कि नाजरीन हमने देसी माहौल इनका बता दिया है, जैसे वो सुन्नत वाला तरीका इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ है। आइए इनसे बात करवाते हैं इनके पास क्या क्या है जो ये लोगों को फ्रेश प्रोवाइड कर रहे हैं और दुनिया काफ़ी इंजॉय करती है इनके पास। आइए इनसे बात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन हमारे पास यहाँ पे सब कुछ जैसे काबली पुलाव, चपली कबाब और नमक मंडी कढ़ाई और बाकी भी अफ़गानी डिशेस जैसे मंतू हो गया, आशक हो गया, जो आजकल लोगों को यहाँ पे नहीं पता लेकिन मंतू आशक बहुत बड़ा फेमस डिश है अफगानिस्तान का। और हम करते हैं ना फ्रेश करी जितने भी होते हैं ना वो यहाँ पर सारे आपको मिल जाती है ना। नान ब्रेड मिल जाते हैं, अफ़गानी नान ब्रेड और अफ़गानी पराठा, बाकी सारे करीज जो रेडी करी होते हैं ना हाई स्ट्रीट के लिए, जैसे भाई ने पहले दिखाया वो सारे पड़े हुए। और यहाँ पे बैठने के माहौल अपने शनवारी तरीके से भी जो ये माहौल है ना, यहाँ पे लोग बैठने के लिए सुन्नत तरीके से बैठ जाते हैं। और दूसरा जो इस साइड पे है ना, ये वेस्टर्न स्टाइल जो वेस्टर्न स्टाइल का माहौल है वो इस साइड पर हैं। तो आप कभी भी आ जाए इंशाल्लाह, इंजॉय करें हमारे फूड, एक दफ़ा आप ट्राई करें तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि हम खुद मैनचेस्टर में भी हमारी जगह है और ये हमारा दूसरा ब्रांच है ना लंदन में। तो ये नाजरीन इन्होंने जैसे बताया इनकी ये दूसरी ब्रांच है, तो माशाल्लाह इन्होंने देसी तरीका रखा हुआ है खाने पीने का और बहुत ही फ्रेश सिस्टम है इनके पास। अगर आप आना चाहते हैं तो हाई स्ट्रीट में इनकी शॉप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आ सकते हैं। बाहर मैंने आपका इनका नंबर भी और एड्रेस भी पहले बता दिया आपको, शुक्रिया।
Yeah.